कि अंग्रेज बड़े बुद्धिमान थे नहीं, उन्होंने पतियों को हस्बैंड कहा, मतलब जो हंसते हंसते अपनी बैंड बजवा ले। तो भैया ये जो हंसते हंसते अपनी बैंड बजवाने वाले जो प्राणी हैं, इनके प्रकार भी समझ लेते हैं। इनमें अधिकतर जो पाए जाते हैं वो है कॉमन पति। अब कॉमन पति में भी प्रकार टाइप के अलग होते हैं। सबसे पहले श्रेणी पर आते हैं हमारे यस मैम पति। ये अपनी बीवियों से कभी भी किसी भी बात पर कोई बहस नहीं करते, इनसे जितना कहा जाए ये उतना करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे सेवक पति। इनका जिंदगी में सिर्फ एक ही फंदा है कि सेवा करो और अपना कल्याण करवाओ। सुबह की चाय से लेके रात के पैर दबवाने तक सेवा में ही अपना मेवा ढूंढते रहते हैं। और तीसरे हैं हमारे कंफ्यूज पति। हाँ भाई, ये इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि घर पर इनकी चलती है, लेकिन चलती है एग्जैक्टली। चौथे आते हैं, अबे तुम अपने को ही देख लो, चौथे तुम हो, डब्बू पति, जिनकी पत्नियों के आगे उनकी एक नहीं चलती। हाँ बे साले, तुम वही हो, इसलिए तो हर सवेरे पिटे हुए बैंगन का चेहरा लेकर आ जाते हो हमारे सामने। मेरी बीवी मायके नहीं जा रही, टीवी पर सास बहू देख रही है न्यूज़ के बजाय। दोस्तों का मैसेज डिलीट करने पर तुम्हारा चेहरा देख के पकड़ लेती है, आज भी ऑफिस की पार्टी में नहीं जाने दे रही, पिछले 7 दिन से 5 दिन तक करेला खिलाया तुम्हें, ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही, छूने नहीं दे रही। अबे साले आँख काहे दिखा रहे हो बे, तो क्या तुम हमारी तरह जुलबुल पांडे हो क्या दबंगे हैं, जो चौड़ा सीधे में लोहा ले ले और आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाए अपनी रज्जों के साथ हैं। अब चाहे सर फूटे या माथा, तूने हाँ कर दी है। अरे बाबा बस कर यार, बस कर ना भाई।